आप पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता है, तो आप ये एनालाइज करिए कि आप क्लासरूम में क्या कहीं किसी चक्कर में तो नहीं पड़े हैं भाई। ये एज ही ऐसा है, हाई स्कूल और इंटर में ही बच्चे क्या करते हैं, ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपको किसी से प्यार हो सकता है, किसी के चक्कर में पड़ सकते हैं, वो लड़की स्माइल करती है उसका स्माइल आपको अच्छा लग सकता है, या कोई लड़का है उसका स्माइल आपको अच्छा लग सकता है, उसकी बाइक पे घूमना आपको पसंद हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। लेकिन जानते हैं कि आप जिंदगी भर यही तो करना होता है, जिंदगी भर ऐसा करना है, ये जो समय है वो पढ़ाई का है, पढ़ाई में आप लगा देंगे तो आप जिंदगी भर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं विनय राज त्रिपाठी आज आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना कंसंट्रेशन, जो आपका ध्यान है पढ़ाई में, कैसे लगाएंगे, तो उस बात पे आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी मन पढ़ाई में लगे तो आप इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को देखना और इस चीज़ को आप अपने ऊपर आजमाना, और आप ये पाओगे कि आपका जो ध्यान है, जो आपका फोकस है, वो पढ़ाई में लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कंसंट्रेट होने के लिए, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट होने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर का मोटिवेशन, अपने सीने में आग लगानी पड़ेगी, अंदर से अपने आप को मोटिवेशन करना होगा। ये कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस आप देख लो, चाहे मेरे देख लो, चाहे और किसी के देख लो, आप वीडियोस देखकर केवल एक से दो दिन तक मोटिवेट रह सकते हो, लेकिन जब आपके सीने में खुद अंदर से मोटिवेशन जगेगा तब आप किसी काम पे फोकस हो पाओगे, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाओगे। वो कैसे लगेगा, क्योंकि जब आपको अपने सिलेक्शन के बाद या अपने सक्सेस के बाद वाला सिनेरियो जब आपको ध्यान होगा, उसका ध्यान जब आपको होगा, तब आपके सीने में ज़रूर आग लग जाएगी। जब आप कंसंट्रेट हो जाओ कि नहीं मुझे ये चीज़ अचीव करना है, आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, किसी एग्ज़ाम में आपको टॉप करना है, या कोई भी गोल है आपका, उसको पहले अपना गोल, अपना लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के मनुष्य जानवर के समान होता है, ये कहावत है। तो आपको पहले क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि नहीं मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है, या मुझे इस एग्ज़ाम में, इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ये क्यों करना है, क्योंकि आप अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सीने में आग कब लगेगी, जब आप उसके बाद का सीनरी सोचेंगे कि नहीं, अगर जैसे मान लीजिए आप भविष्य में सोचते हैं कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनने के बाद दिन में 3000 लोग आपको सल्यूट किया करेंगे, तो ये चीज़ें जब आप सोचोगे ना, खुद के अंदर सोच के जरा एक बार देखो आपके अंदर कितनी मोटिवेशन, ऑटोमेटिक ये सेल्फ मोटिवेशन होता है। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर सोचना है कि नहीं मैं आईएएस हो जाऊंगा तो क्या होगा, जब मैं निकलूंगा लोग सलाम साहब करेंगे, सल्यूट मारेंगे, कई पुलिस वाले हमें सल्यूट करते रहेंगे, जिनको आज पुलिस वालों को आप देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये कुछ वर्दी पहने हैं, कितना अच्छा है, लेकिन सोचिए जब ये पुलिस वाले आपको सल्यूट मारेंगे, बड़े बड़े अधिकारी आपको सलाम करेंगे, तब आपको कैसा लगेगा। तो वो चीज़ एक बार सोच के देखिए कि मैं आईएएस हो गया हूँ, इस तरह से आप सोचेंगे ना तब आपका अंदर का मोटिवेशन जग जाएगा। आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपने जो टारगेट, देखिए सबसे बड़ा टारगेट हमने आपको बता दिया, अब इसी हिसाब से जो आपकी इच्छा है, जो इंटेंशन है कि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, तो वो सोचिए कि मुझे ये करना है अपने जीवन में। ये सोचेंगे तो आपके अंदर से, अंतरात्मा से मोटिवेशन जग जाएगा, तब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो आपको वो स्टेज ले आना है सेल्फ मोटिवेशन का। जब तक आप अपने ड्रीम को नहीं सोचेंगे तब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपना एम जो है कि क्या करना है मुझको फ्यूचर में, मान लीजिए आपको राजनीति में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक बच्चे का, वो मैंने बोला कि भाई उसने अपने अपने हाथ पे टैटू करवा रखा था, मैंने बोला भाई ये टैटू क्यों करवाए हो, कहीं कहीं एग्ज़ाम देने जाओगे, कहीं जैसे आपको डिफेंस में जाना है तो ये टैटू की वजह से आप बाहर हो जाओगे। बोला सर मेरे को जाना ही नहीं डिफेंस में, मेरे को एग्ज़ाम में जाना ही नहीं है, मेरे को तो नेता बनना है, मैं यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो 11th का लड़का है, अभी 11वीं पढ़ रहा है, और यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ का चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव के लिए वो तैयारी आज से कर रहा है, तो वो फोकस है, और मैं गारंटी देता हूँ कि वो बंदा कल को यूनिवर्सिटी में इलेक्शन जीत के वो छात्र नेता जरूर बन जाएगा। तो वो सही है, अपने जगह पे वो फोकस है। इस हिसाब से आप भी अपना जो ड्रीम चाहते हैं ना उसको इमेजिन करिए, तो आपके अंदर, आपके सीने में वो आग लगी रहेगी कि नहीं मेरे को फोकस होना है, तब आप पढ़ाई करने लगेंगे।
अब कुछ चीज़ें बताते हैं कि कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा ध्यान नहीं लगता है, मन कहीं बहका बहका रहता है, तो इस चीज़ को आप कैसे दूर करेंगे। पहले आपने अपना लक्ष्य जो है निर्धारित कर दिया, अपना गोल आपने सेट कर लिया कि नहीं मेरे को जीवन में ये गोल अचीव करना है, मुझे जीवन में ये गोल अचीव करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड में आपको टॉप करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है, उस हिसाब से आपने अपना गोल बना लिया कि हमें 95% प्लस मार्क्स अचीव करना है, उसके लिए आपने गोल निर्धारित किया, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, आपको दिनचर्या भी करना पड़ेगा। तो आप ये दिनचर्या ले लो कि मेरे को सुबह में भी 4 घंटे पढ़ना है और मेरे को शाम को भी 4 घंटे किसी तरह टाइम निकाल के पढ़ना है। टाइम कैसे निकलेगा, फोकस कैसे हो जाओगे, क्या करना है आपको, आपको सारी चीज़ें जो जैसे आप अपने टाइम को एनालाइज़ करिए, अपने पूरी दिनचर्या को एनालाइज़ करिए कि पूरे दिनचर्या में मेरा रूटीन क्या रहता है, कितने बजे सो के उठता हूँ, कितने देर हम मोबाइल में चैटिंग करते हैं, दोस्तों से गपशप करते हैं, कई दोस्तों के साथ हम बाहर घूमने निकल जाते हैं, और ये सारी चीज़ें अनप्रोडक्टिव चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम। तो आपको अंदर से अनुशासित होना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा भाई, अगर आपको कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए, फ्यूचर में कुछ अच्छा होने के लिए अभी कुछ खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, थोड़ा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। ये चीज़ें आज आप थोड़ा सा सर्वाइव कर लोगे, आज थोड़ा सा अगर आप खोलोगे तो कल को वो चीज़ें आपको कई गुना होकर आपको मिलेंगी। ठीक है, आज जो आप दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ घूमते हो, मस्ती करते हो, ठीक है, अगर आप इसकी जगह पे आज आप पढ़ाई कर लेते हो, आज इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर लेते हो, इस समय को उपयोग कर लेते हो, क्योंकि ये दोबारा समय आपका मिलने वाला नहीं है, तो अगर आप इसको यूज़ कर लेते हो तो ये समय बाद में आपको कई गुना ज़्यादा बढ़ के ऐसो आराम में और भी सैर सपाटे करने का मौका दिलाएगा। जब आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे तब की बात मैं कह रहा हूँ। तो वो चीज़ें ध्यान रखना है। अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता है, तो आप ये एनालाइज़ करिए कि आप क्लासरूम में क्या कहीं किसी चक्कर में तो नहीं पढ़े हैं भाई। ये एज ही ऐसा है, हाई स्कूल और इंटर में ही बच्चे क्या करते हैं, ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपको किसी से प्यार हो सकता है, किसी के चक्कर में पड़ सकते हैं, वो लड़की स्माइल करती है उसका स्माइल आपको अच्छा लग सकता है, या कोई लड़का है उसका स्माइल आपको अच्छा लग सकता है, उसकी बाइक पे घूमना आपको पसंद हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। लेकिन जानते हैं क्या आप, ज़िंदगी भर यही तो करना होता है, ज़िंदगी भर ऐसा करना है। ये जो समय है वो पढ़ाई का है, पढ़ाई में आप लगा देंगे तो आप ज़िंदगी भर ऐसा करेंगे, आपका कैरियर बढ़िया बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सोचेंगे तो आपका जो ध्यान है उसको हर चीज़ से हटा करके, जो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हैं उनसे हटा करके अपने गोल पे लेना है कि नहीं मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को डिसिप्लिन में रहना है, थोड़ा बहुत अपना कम्फर्ट जो है उसको त्यागना है, तब जाके आप अपने आप को फोकस कर पाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपके अंदर सुस्ती रहती है, आप थोड़े सुस्त रहते हैं तो एक्टिव कैसे रहेंगे, तो आप सुबह उठ के थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लंबी सांसें ले सकते हैं। जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो थोड़ा बहुत लंबी सांसें ले सकते हैं, आपको ये हार्ट से सांस नहीं लेना है, आपको पेट से सांस लेना है, ऐसे करके सांस लेना है, 4-5 बार ऐसे आप सांस अंदर बाहर करते हैं ना, तो आप एक अलग सी ऊर्जा महसूस करेंगे और अलग सी स्फूर्ति आपकी आ जाएगी। इससे क्या होता है, इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। दिन भर में ये एक्सरसाइज आप 2-3 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, गहरी सांस लेकर के। सुबह के टाइम में करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन मतलब हवा ज़्यादा शुद्ध होती है, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऑक्सीजन जो होता है आपके दिमाग में फोकस बढ़ाता है। इसके अलावा आप अपने भोजन को, पौष्टिक भोजन आपको सेलेक्ट करना है, बाहर की चीज़ें इग्नोर करना है खाने से, जो बहुत खट्टा चीज़ें हैं, बहुत तीखी चीज़ें हैं, बहुत मसालेदार चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके दिमाग में जाके कचरा भर देती हैं, ये आपके दिमाग में जाम कर देती हैं। स्वाद लेने के चक्कर में आप अपने दिमाग को, आप अपने कंसंट्रेशन को खो देते हैं। जहाँ तक हो सके आप चाय पीना अवॉइड कर दीजिए। चाय अगर पीते होंगे, देखिए कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन आप रेगुलर अगर चाय के आदि हो जाते हैं तो वो भी आपका ध्यान जो होता है वो भंग कर सकता है। चाय की जगह पे आप दूध ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना सही नहीं है, तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन जो चाय है वो आपका कंसंट्रेशन घटा देता है। चीनी, जो चाय में चीनी पड़ती है, चीनी आपको कम कर देना है। शुगर क्या करता है, शुगर जैसे आप चीनी या मीठी चीज़ खा के जाते हैं ना, तो क्लास में आपको नींद आती होगी, ये आपने गौर किया होगा, तो चीनी आपको कम करना है। ठीक है, और अपने जो खान पान में
उसमें पौष्टिक चीज़ों का पौष्टिक भोजन पे ध्यान देना है। फास्ट फूड एकदम अवॉइड कर लीजिए, बर्गर पिज्जा ये जो चीज़ें आप लालच में खाते हो, बाहर खाते हो, पार्टी करते हो, ये चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो घट जाता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको याद लर्निंग पावर आपकी कम है तो मार्केट में आयुर्वेद के कई सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ये सारे औषधि आपको मिलते हैं मार्केट में, तो आप इनका भी सेवन कर सकते हो। उसके लिए आप किसी डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। आप हरी सब्जियां आयरन और प्रोटीन वाले जो भोजन हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पे फोकस करिए, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। आप अपने भोजन में दही का यूज़ कर सकते हैं, तो दही से क्या होता है, दही खाने से हमारी जो ब्रेन पावर है वो बढ़ती है। तो अपने भोजन में को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत व्यायाम कर सकते हैं, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे, तो आप अपने पढ़ाई में फोकस हो जाएंगे और आप अपने करियर में भी सफल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, हमारे इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं और भी पॉइंट्स के साथ, और भी बातों के साथ किसी अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।